एक मेरा नाम आप देख रहे हो गुजराती मुंडा। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो आज हमारे साथ ये शर्जील भाई हैं और हमारा जो तीसरा भाई है वो बीमार हैं और उसको आज हम लोग लेके आए हैं पिंस हॉस्पिटल में। और बाकी का मैं तो इधर फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, तो ये भाई से पूछते हैं कि ये आते रहते हैं पिंस में, तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ना? जी जी, ये पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा है और इधर पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं अपने मतलब ये सरकारी दूर दूर से आते हैं। जी, दूर दूर से ये इधर आते हैं, तो हम लोग इधर पास में ही रहते हैं। सो आज मैंने कहा इसका विजिट भी करते हैं और भाई को दवाई भी लेके देते हैं और चेक करते हैं कि इनकी कैसा रिप्लाई है, मतलब हम लोग मरीज को लेके आए तो वो किस तरह से उसको ठीक करते हैं। सो देखते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखना। सो अभी मैं आपको इसका विजिट भी कराता हूँ और उसके बाद भाई के पास लेके चलते हैं, उनकी तबीयत कैसी है वो भी दिखाता हूँ। हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया और वीडियो को लाइक कर दो। सो शुरू करते हैं वीडियो। अभी हम लोग ये गेट नंबर 4 से अंदर दाखिल हो चुके हैं। जो हमारे दूसरे बड़े भाई हैं वो तो उधर दवाई वगैरह ले रहे हैं, सो वो सामने अशांत से भी जाके मिलते हैं, बातचीत करते हैं। और बाकी आप विज़िट कर लें कि यार बहुत ही बड़ा मतलब हॉस्पिटल है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है इधर और इससे पहले मैं कभी भी नहीं इधर आया। पूरा हॉस्पिटल हम लोग विज़िट कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकेंगे, कर सकेंगे, लेकिन ये आपको बहुत बड़ा है, ये घूमते घूमते रात हो जाएगी। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, हम घूम लेंगे, लेकिन गाइस ये एक वीडियो में मैं आपको विजिट नहीं करा सकूंगा क्योंकि आप लोग बोर हो जाएंगे। सो अलग अलग वीडियो में मैं ज़रूर अपलोड करूंगा पूरे हॉस्पिटल की वीडियोस। देख सकते हो कि यार बहुत ही ज़्यादा रश है। किस कौन सी साइड जाना है? ऊपर इधर नहीं होंगे यार, ये इधर नहीं नहीं है। चलो वो कॉल कर लेते हैं, पहले विजिट तो कराते हैं गाइस को। अच्छा शर्जील भाई, इधर लिफ्ट वगैरह नहीं है क्या? लिफ्ट तो ये सामने। अच्छा, सो यार आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ज़िंदगी में खुश रहा करें, क्योंकि आपको पता है कि जो बंदा सेहतमंद है उसके पास उससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। आपको पता है अस्पतालों में भी अगर बंदा चक्कर लगाने लग जाए तो कितना मसला है। इंसान के पास सेहत है तो उसको कुछ भी नहीं चाहिए होता। सो ये देखें मतलब कितना ज़्यादा रश है, लोग इतनी दूर दूर से आते हैं इधर, हर बंदा अपनी नफसा नफसी में है। सो आपसे यही गुजारिश है कि ज़िंदगी में इंजॉय करें, खुश रहा करें, क्योंकि क्या पता कब इंसान ने चले जाना है। जगह आप देख रहे हो कि यार इधर जगह जगह पे मरीज हैं, हर एक जगह पे मरीज लेटे हुए हैं। देखे ही है, नहीं कसम से यार, दिल मतलब कुछ भी यार काम पर बड़ा घबरा जाता है। जब मैं गाड़ियों के ख्वाब देखता हूँ ना, तो जब बंदा इधर आए ना, बंदा कहे कुछ भी नहीं चाहिए, कम से कम हम सलामत तो है ना इंसान, बंदा तो खुद सेहतमंद हो। हाँ, हाँ इधर जो मरीज होते हैं, हमारे जितने लड़के बैठे हुए हैं उधर अस्पतालों में, उनकी क्या ज़िंदगी है यार। सो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जैसे भी है खुश रहें, खुश रहें, कोई मसला नहीं, जितनी भी टेंशन आ जाए ना हमेशा मुस्कुराता रहा करें, क्योंकि क्या पता कब चले जाना है। कोई पता, हाँ कोई पता नहीं। तो अभी तक हमारे भाई तो हमें मिले नहीं है, चेक करते हैं आगे चल के, कॉल करते हैं उनको, तो आपको मतलब सारी हम लोग अपडेट देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, मेरा से याद से, और वीडियो को लाइक कर दो। ये पिंस हॉस्पिटल का नक्शा है, ये देख लें कितना बड़ा है। ये आज मैं आपको एक वीडियो में नहीं घुमा पाऊंगा, ये मैं आपको अलग अलग वीडियो में बना के दिखाऊंगा। और शर्जील भाई, आपको किस समझ आ रही है ये नक्शे की? नहीं नहीं, मुझे तो बस ये पार्किंग काफ़ी ज़्यादा, ये पार्किंग है और ये क्या है, और ये कैंप लगा हुआ है, कैंप लगा हुआ है, और ये सारे जो है वो मतलब ये सब कुछ लगा होगा। हाँ, इसी तरह लगा होगा, देखे ना बता रहे हैं, इधर सब्ज़ है, इधर दरख्त है, इधर भी। अच्छा, ये बात है। हाँ, आप लोग देख सकते हो कि ये क्या लिखा हुआ है, आगे गेट है बंद, आगे गेट बंद है। अच्छा, आगे गेट बंद है तो हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे, लेकिन ये नक्शा आप लोग, ये क्या है शर्जील भाई देखें? ये शायद मेरे ख्याल से ये वो होगा, वो फुहारा लगा होता है ना। हाँ, ये किधर है? ओहो गाइस, हाँ इधर मैं जब गला था ना, मैं इधर आया। ओह ये सेम जगह। अच्छा, सो गाइस यार इधर बार बार मरीज आंखों के सामने से जा रहे हैं, कसम से वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा। सो अभी हम लोग आगे देखते हैं, हमारा भाई भी हमको मिल नहीं रहा, पता नहीं किधर चला गया। चलो आप शर्जील भाई अभी बाहर देखते हैं। Thank you.
इसकी स्मेल चेक करें, वो कह रहे हैं कि इसको टीबी का चेक करें, पता नहीं क्या कह रहे हैं। ये क्या दवाइयां बस ले लेना, दवाइयां ले लें। और ये मरीज लग रहे हैं आपको, मरीज मास्क उतार रहे हैं, वो कहते हैं इसको टीबी का मरीज है, ये टीबी रात को ज़्यादा था। गाइस ये देख रहे हो मेडिसिन बस जगह ना ए लेने ते ए जड़ी सी ना ए ली ए ओ तो सानू कोनी से लबी है ए ली लेने ते ए ली लेने बस कार चली जा। नहीं ठीक है ना, तो हमारा जो मरीज है वो कह रहा है ठीक है, और वो कह रहे हैं इसका टीवी का टेस्ट करवाए ना, टीवी का या टीवी का टीवी टीवी एलसीडी का नहीं, नहीं सोनी टीवी के क्या। हमारे मरीज की आप हालत बाहर आ चुके हैं, दूसरे जो दोनों भाई हैं अस्पताल, अस्पताल मतलब कि सॉरी यार वो भूल गया था कि मैं अस्पताल में आया हूँ, तो अंदर तो कसम से एक तो वो वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, थोड़ा सा हाँ आई है वीडियो और वो भी छुपा छुपा के, तो उसके अलावा बाकी अंदर जिस साइड पर नज़र मारे बंदा मरीज ही मरीज होते हैं, कसम से दिल कांप जाता है क्या बंदा बोले। और अभी जो है मैं आपको बाहर का मॉल दिखाता हूँ इस्लामाबाद का, और बाकी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, याद से भूलना नहीं, ठीक है, क्लिक कर दे। और आपके लिए गुजराती मोड़े बहुत मेहनत करते हैं, तो आपसे गुजारिश है आप कर दे। हाँ क्योंकि इंशाल्लाह आइंदे के बाद रोजाना सा एक या दो व्लॉग होगा ना अपलोड, जरूर होगा, आपका काम है बस सपोर्ट करना, और इंशाल्लाह फिर हम लोग इधर आया करेंगे, और हमने जो सोचा ना वो हम इन मरीजों की हेल्प किया करेंगे अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया। तो मैं अभी आपको बैक साइड दिखाता हूँ, तो फिर यहीं पे आज वीडियो ख़त्म करते हैं, आज का व्लॉग हमारा यही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लेकिन मैं आपको फिर भी बैक साइड दिखा देता हूँ। गाइस ये देख लो यार बाहर का मॉल, और बाकी ये जो है अभी तक ये पिंस हॉस्पिटल के अंदर ही हैं हम लोग, और ये जो है सेंटोरस मॉल वो सामने है, ये इधर से सही नहीं नज़र आ रहा, और ये आप लोग देखो मतलब कितने ज़्यादा मरीज हैं, सरकारी अस्पताल है तो इधर कोई भी मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी इधर अच्छी, इधर इतना रश होता है जैसे आप कहीं जुमा बाजार या इतवार बाजार में आ गए। नहीं यार इधर बेचारे सब लोग मतलब अपने नफसा नफसी में, अच्छा एक बात बताऊँ आप ऐसे समझ लें जैसे आप दोजख के अंदर आ चुके हैं, मतलब सब अपने नफसे नफसी में लगे हुए हैं, मतलब कोई किसी से पैसे मांग रहे, कोई किसी से, असल में अंदर उन्होंने मुझे वीडियो नहीं बनाने दी, नहीं तो मैं अंदर पूरी वीडियो आपको बनाता ज़रूर। और सामने आप लोग देख रहे हो सेंटोरस मॉल के सामने है ये बिल्कुल, और ये जो है ना एम्बुलेंस वगैरह खड़ी हुई है इनकी, तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है अगर कभी आपका यहाँ पे चक्कर लगा हो या और बाकी यार अच्छा कल जब मैं नहीं आया था तो ये भाई ने मुझे पता क्या बोला, बोला कि तेरे जितनी लड़कियाँ उधर डॉक्टर हैं, मैंने कहा नहीं उनकी उम्र बड़ी होगी लेकिन कल जितना होगा, तो सामने वो हमारे भाई हैं ये सेंटोरस मॉल, उनसे ये सेंटोरस मॉल है सामने आप लोग देख सकते हो। तो बस आज का व्लॉग यही था, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, याद से सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करता रहूं।